नमस्कार, मैं हूँ आकाश चौहान और इस वक्त हम खड़े हैं जो विधायक हैं वो जगदीश देवड़ा, उनके यहाँ पे खड़े हैं जो जिनको अब पद मिलने की जो जानकारी है वो सामने आ रही है। नरेंद्र जी, आपसे जानना चाहूंगा, आप जगदीश देवड़ा जी के क्लोज रहे हैं, क्या कहेंगे आप? जिस प्रकार से हमको जानकारी प्राप्त हो रही है कि माननीय जगदीश जी देवड़ा मध्य प्रदेश सरकार में उप मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है उनको, और आज हमारे पूरे क्षेत्र श्यामनगर में खुशी का माहौल है। हम सब श्यामनगर वासी यहाँ एक साथ आज एकत्रित हुए हैं। जैसे हमको सूचना मिली मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, तो हम सब भी हमारी कॉलोनी वासी उनके निवास स्थान के बाहर समक्ष एकत्रित हुए हैं और आतिशबाजी भी यहाँ की गई है। तो क्या मानते हैं आप इसको, कितनी बड़ी उपलब्धि मानते हैं इस प्रदेश के लिए, क्षेत्र के लिए? मध्य प्रदेश के लिए तो एक बड़ी उपलब्धि है ही है, लेकिन मंदसौर शहर के लिए और विशेषकर हमारे श्यामनगर कॉलोनी क्षेत्र के लिए भी एक बड़ी बात है कि हमारे क्षेत्र के निवासी जगदीश जी देवड़ा को मध्य प्रदेश सरकार में उप मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है। हम सबके लिए इससे बड़ी और खुशी की बात नहीं हो सकती है। आपका नाम क्या और आप क्या? मनोज विनायका। सर, मैं कहूँगा जगदीश जी देवड़ा साहब को जो उप मुख्यमंत्री का जो मिला है उसके लिए हम तहे दिल से शुभकामनाएं देते हैं श्यामनगर वासियों की तरफ से। और आपका क्या नाम और क्या? सुमित भंडारी, श्यामनगर। आदरणीय भाई साहब, जगदीश जी देवड़ा को उप मुख्यमंत्री बनाने पर हार्दिक बधाई एवं श्यामनगर परिवार की ओर से भी हार्दिक बधाई। सेलिब्रेशन के तौर पे आप क्या किया जाएगा? विकास होगा, सबका साथ सबका। अभी आप सेलिब्रेट कैसे कर रहे हैं उनकी जो खुशी? फटाके वगैरह फोड़े जाएंगे और मिठाई बांटी जाएंगे, ढोल वगैरह बजेंगे, आतिशबाजी। आपका नाम क्या दादा? मनोज जी जैन। आदरणीय भाई साहब को, जगदीश जी भाई साहब को बहुत बहुत बधाई हो डिप्टी सीएम बनने के लिए, हमारी कॉलोनी की तरफ से बहुत बहुत बधाई हो। ठीक है, आप क्या कहेंगे? मैं सर इतना ही कहना चाहता हूं कि इससे बढ़िया खुशी का मौका श्यामनगर में कभी हो नहीं सकता है। और मैं सुरेंद्र पहलवान कवि के रूप में एक चंद लाइनें मैं भाई साहब के लिए बोलता हूं कि कभी हार ना मानी, कभी हार ना मानी आपने, हमेशा जीत का परचम लहराया आपने, कोई कुछ भी कहे फिर भी यश कमाया आपने। तो आदरणीय भाई साहब के लिए मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और दादा आप क्या कहेंगे? भाई साहब को बहुत बहुत शुभकामनाएं कॉलोनी की तरफ से। आप मुझे बताइए कॉलोनी में देवड़ा जी कब से रह रहे हैं और क्या कहाँ कौन सा मकान इनका, क्या बताएंगे जरा? 15-20 साल से रह रहे हैं मंदसौर में ही। इसी मकान में। ठीक है दादा, आप क्या कहेंगे? मेरा नाम बाबूलाल जैन है। भाई साहब जगदीश देवड़ा को कॉलोनी की तरफ से बहुत बहुत बधाई। और क्या कहेंगे देवड़ा जी से, कैसे संबंध है आपके? क्या बहुत अच्छे संबंध है कॉलोनी की तरफ से। क्या आप क्या लगता हमारी कॉलोनी वासियों के लिए भी बहुत अच्छे संबंध है, परिवार जैसे ही है, परिवार जैसा ही है हमारा एक परिवार है। ठीक है, आप क्या कहेंगे? परिवार वालों को सब परिवार जैसा ही रखते, पूरी कॉलोनी वालों को, मतलब इतने बड़े आदमी होने के बावजूद भी कभी आपने आपको मंत्री या ऐसा कुछ भी नहीं समझा। अच्छा, तो ये देखा आपने जो जगदीश जी देवड़ा है उनको लेकर जो लोगों की अलग अलग राय है, जो कॉलोनी के लोग हैं उनकी राय जो है वो आपके सामने आई है। यानी कुल मिलाकर जगदीश जी देवड़ा जो आज जिस मुकाम पर पहुंच रहे हैं या जो जानकारियां उनके सामने आ रही है वो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव वे में जा रही है। आप देख रहे हैं फटाकों का शोर भी अब सुनने को आ रहा है। आकाश चौहान, मंदसौर, MP तक।